चमोली की डीएम स्वाति एस भदौरिया आपदा प्रभावित महिला को डांटने के बाद एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार डीएम स्वाति एक होमगार्ड के जवान को सस्पेंड करने को लेकर चर्चाओं में हैं। डीएम ने होमगार्ड के जवान को इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि होमगार्ड के जवान ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाते हुए एस भदौरिया के बच्चे को पार्क में जाने से रोक दिया। दरअसल मामला अप्रैल माह का बताया जा रहा है, जब सार्वजनिक पार्कों में कोरोना की गाइडलाइन के कारण प्रवेश वर्जित किया गया था। डीएम आवास के ठीक सामने बने पार्क में कोई प्रवेश न करे, इसको लेकर पार्क के बाहर एक होमगार्ड के जवान की तैनाती की गई थी। लेकिन पार्क के बाहर ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान को डीएम के बच्चे को पार्क में जाने से रोके जाने पर 3 साल तक ड्यूटी से हाथ धोना पड़ गया। अब नौकरी से बेदखल होमगार्ड का जवान दफ्तरों की चौखट पर अपनी बहाली की गुहार लगा रहा है। वहीं पीड़ित होमगार्ड जवान का कहना है कि उसे अपनी ड्यूटी निष्ठा से करने की सजा मिली है। अगर उसे पता होता कि डीएम के बच्चे को पार्क में जाने से रोकने पर डीएम उसे नौकरी से हटा देंगे तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता। पीड़ित का कहना है कि ड्यूटी पर नहीं होने के कारण उसे घर चलाने के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दो दिन लॉकडाउन है, बिगर मास का किसी को आने मत देना, और ये दो दिन लॉकडाउन है, किसी को डीएम है चाहे किसी के बच्चों को आने मत देना। दो दिन लॉकडाउन है और किसी को आने मत देना, भाई बोल रहे सर। उन्होंने गाली गुलज नहीं की, उनका उल्टा उस चपड़ा जी ने गाली दी, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कोई बदली नहीं, मैंने गाली गुलज नहीं करी, कुछ नहीं करी। बस ये हुआ सर, उन्होंने सीधा मैडम ने मेरे को 15 अप्रैल तक ड्यूटी कर रखी है, 16 तारीख से मुझे बहाल कर दिया। 4 महीने हुए सर मुझे, ये अप्रैल मई जून जुलाई, ये जुलाई चल रहा सर, कागज दे दे सर, 4 महीने से गरीब हूँ सर। उधर मामले पर होमगार्ड के सहायक जिला कमांडेंट दीपक भट्ट का कहना है कि डीएम कार्यालय की तरफ से कार्यालय को एक पत्र जारी किया गया है जिसमें होमगार्ड सुरेंद्र लाल द्वारा पार्क में आने जाने वाले बच्चों और अभिभावकों से अभद्रता करने का हवाला देते हुए जवान को 3 साल के लिए ड्यूटी से मुक्त रखने के आदेश दिए हैं। हमारे कार्यालय से जो है ड्यूटी लगती है डीएम के यहाँ, डीएम मैडम के यहाँ तैनात है, इनको जो है शहीद पार्क में तैनात किया गया होगा, जहाँ पर जो है किसी को भी आने के लिए इनको ऊपर से किसने आदेश दिया ये मेरे को जानकारी नहीं है, तो वहाँ पे कोई बच्चा आया होगा, इन्होंने मना कर दिया। अब वो बच्चा जो है डीएम मैडम का था, उसकी शिकायत गई होगी, तो इनको जो है मैडम ने ड्यूटी से हटा दिया। क्या आदेश है इनको? ये दिया है कि 3 साल तक इनको जो है ड्यूटी से जो है प्रतिबंध रखा जाए। कुछ कारण लिखे होंगे सर उसमें कि क्या इनका गलती क्या रही इनके जिनके चलते इसको? अब ऐसा तो मैंने कुछ नहीं देखा। वहीं होमगार्ड हटाने के मामले में डीएम ने सोशल मीडिया पर आ रही खबरों को निराधार बताया। डीएम ने कहा कि इसको तथ्यहीन और गलत तरीके से प्रचारित करना जानबूझकर जिला प्रशासन की छवि को खराब करना है। जनपद चमोली से एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है जिसमें होमगार्ड के निलंबन की बात बताई जा रही है, उसमें कई भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहला तो ये कि वो वीडियो या वो कार्यवाही लॉकडाउन के समय की नहीं है, इनफैक्ट वो ऑर्डर भी 5 अप्रैल 2021 का है जब पूरे स्टेट में कहीं पे भी कोई लॉकडाउन नहीं था और सभी सार्वजनिक पार्क्स में आना जाना बिल्कुल अलाउड था। साथ में जो बच्चे की बात बताई जा रही है वो मेरा बच्चा नहीं था, इनफैक्ट वो किसी अन्य का बच्चा था जिसको उन्होंने होमगार्ड ने डंडे से पीट कर वापस भेजा था और लोगों ने हमें शिकायत करी तब जाके मुझे ये एक्शन लेना पड़ा। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि हम किसी पे अननेसेसरी कार्रवाई करें, लेकिन बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है जिसके चलते मुझे ये एक्शन लेना पड़ा। और इसके अतिरिक्त वो बिल्कुल पूरी तरह से हमारे क्षेत्राधिकार में है कि यदि कोई कर्मचारी गलत कृत्य करता है तो उस पर हम एक्शन ले सकते हैं, और ये लिखित में आदेश किया गया है, ऑर्डर में रीज़न बताया गया है कि इनको क्यों हटाया जा रहा है, और इसलिए वो संबंधित कर्मचारी उसके विरुद्ध अपील में जा सकते थे। लेकिन 3 महीने पश्चात इस तरीके से मीडिया में इस बात को उठाना बिल्कुल भी उचित नहीं है और बिना हमारे वर्जन के ये चीज़ों को जानबूझकर प्रसारित करना भी अनुचित है। डीएम द्वारा जारी पत्र पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं क्योंकि अप्रैल माह में कोरोना संक्रमण के चलते कोविड गाइडलाइन के अनुसार सभी पार्कों में प्रवेश वर्जित था, लेकिन पत्र में लिखा गया है कि पार्क में आने वाले बच्चों और उनके परिजनों से उक्त होमगार्ड के द्वारा अभद्रता की गई, जबकि होमगार्ड का कहना है कि उसने अपनी ड्यूटी निभाते हुए एक बच्चे को पार्क में जाने से रोका था, वो डीएम का बेटा था इसलिए इसकी जानकारी उसे नहीं थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चमोली से पूरन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।